नमस्कार, मी सानिया राज, बैक अगेन इन आई जस्ट हैड अ वेरी गुड चैट विद वन ऑफ द पीपल एंड नाउ आई हैव अ प्रोफाउंड जर्नलिस्ट, रियली हार्ड वर्किंग. यू विल सी हर रोज, वो कहते हैं ना दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट उनके जो शोज हैं वो हमेशा आते रहते हैं. ही इज सच अ इंस्पिरेशन, नॉट जस्ट एज अ पर्सन बट एज अ प्रोफेशनल जर्नलिज्म दैट ही डिस्प्लेज. He works with conviction and very much of authority. So I always have a pleasure to, you know, have him. And he's so kind. Every time I call him, he is always giving me a positive answer. So that's my greatest pleasure to have Ujjwal ji with me. And I'm going to get him online. Thank you so much. Thank you. So good to मैं see सुन रहा था, आप काफी तारीफ कर रही थी मेरी, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, वहां से सुन लेते हैं मुझे ये बात. अदरवाइज मैं अभी आपके सामने नहीं बोलती, बट एनीवे, उज्जवल जी, दिस इज सच अ वंडरफुल यू नो मोमेंट फॉर मी टू एक्चुअली. हम कहते हैं ना कि हम एक लोग इतने दूर रहते हैं, बट ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमें इतने करीब कर देते हैं. बिल्कुल. Or people like you, you know, it's like we are talking about Sushant, we are talking about wonderful people connecting. But main actually, you know, hum hamesha kehte hain ki jab log chale jate hain, hum unko zyada padhte hain, samajhte hain, to bada ajeeb lagta hai ki mujhe aapke bare mein kuch acha bolu, because maine aapko 2 saal se jaan rahi hu. Maine usse pehle aapka mujhe nahi pata tha, but jab se maine aapko jana hai, maine aapke andar bhi ek सुशांत को देखा है. अब वो शायद आपके अंदर जो है वो है, बट हम जो कनेक्ट हुए सुशांत से, तो आप जैसे लोग तो है ही, जो रोज के रोज, मैं आई मीन आई एम हैट्स ऑफ टू यू. यू वर्क सो हार्ड. आई मीन इट्स नॉट इजी द वे यू डू. यू आर डूइंग योर इन्वेस्टिगेशन कॉन्स्टेंटली, यू आर कॉन्स्टेंटली फीडिंग इन्फॉर्मेशन विच इज वेरी ऑथेंटिक. So, Ujjwal ji, I have to, you know, I'm forced to give you a word like this, not just because main aapke samne bolungi, ye main peeche aage sab jagah bolungi, because jo authenticity hai, usko to zarur ubhar kar bolna hi chahiye, aur aapka kaam batata hai, aap bolte to kam hi hai, aap sirf kaam ke liye bolte hai, waise to aap kam hi bolte hai, jahan tak mujhe idea hai. So, thank you so much for joining me today, actually, and I had to give this good word to you without telling you ki I'm buttering you or anything. It doesn't matter if I don't meet you again, but I will keep saying the same thing as I've said to everybody, and that's why I chose this platform to tell people that if there is any good journalism happening around, if you want to name a few, there are good journalists, but yes, you are one of them. And because main hamesha aapki you know jaati hu, agar mere paas aadha ghanta hai to main zarur aapko aapka browse karti hu और चेक करती हूँ कि कहाँ कहाँ क्या बोल रहे हैं, जिससे कि कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले. सो थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग सो हार्ड फॉर ऑल ऑफ अस. सो उज्जवल जी, वी आर हियर टुडे एक्चुअली फॉर सुशांत, एंड व्हाट आई हैड रिटन टू पीपल वाज दैट आप बड़े ब्लेस्ड हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं. तो 21st को आप बहुत उमदा लोगों से मिले, और उनके बीच में सुशांत जी की सिस्टर भी थी, प्रियंका दीदी, एंड और भी बहुत अच्छे लोग जो सुशांत के लिए काम कर रहे हैं, उनसे आपने रूबरू किया. सो आई वुड रियली स्टार्ट टू आस्क यू विद अ वेरी क्यूरियस क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हैव यू गैदर्ड ड्यूरिंग दैट डे दैट यू वुड लाइक टू शेयर टू द पब्लिक, व्हिच यू प्रोबब्ली हैव स्पोकन, बट वन मोर टाइम. सी बेसिकली हम, मेरी जैसे प्रियंका जी से भी बात हुई, स्मिता जी से बात हुई, और भी मैं बहुत सारे लोगों से बात करता रहता हूँ. डॉक्टर भूपेश हैं, वो भी लगे हुए हैं, अपने स्तर से लगे हुए थे, और बहुत सारे ऐसे एसएसआरियंस हैं जो अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं. देखिए, कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक विश्वास तो आया है कि जरूर इस केस में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें, आपको नहीं बल्कि इस पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को कुछ देकर जाने वाला है. और जब हम देकर जाने वाला है सेंस में बोलते हैं, विच मींस एक अलग तरह का रियलाइजेशन हो, चाहे एक अलग तरह का एक ऐसी सोच हो, एक नजरिया हो जो हमको देकर जाने वाला है. क्योंकि आप सोचिए ना, मैं तो आपको पूछता हूं, जितने भी दर्शक इस समय आपके देख रहे हैं उनको पूछता हूं, आप मुझे कोई एक ऐसा घटनाक्रम बता दीजिए. बड़े बड़े कांड हुए हिंदुस्तान में, मैं 1947 के बाद की बात कर रहा हूं, लेकिन क्या कभी कुछ ऐसा हुआ कि 2 साल तक पूरी जनता एक मुद्दे पर बात करती रही हो?
जहां हमारा कहा जाता है कि लोगों की मेमोरी बहुत छोटी होती है, लोग बहुत जल्द भुला देते हैं, ऐसी ऐसी गाली हमारे यहाँ जनता को दी जाती है कि जनता है तो भारत की सब भूल जाएगी, लेकिन वो जनता भारत की, दुनिया में रहने वाले अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीय, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास अलग अलग देशों से मेरे दर्शकों के फोन आते हैं, आज भी आते हैं, और न जाने कितने फोन करने के बाद सिर्फ रोते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये उस दर्द का एहसास होता है। और मैं इसको एक बहुत अलग तरह की फीलिंग के तौर पर बताना चाहूंगा, मैं जितने भी लोगों से बात करता रहा हूं, सबको ये है कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ जाहिर है, लेकिन हम सबकी आंखें खोल गया, और मुझे लगता है कि वही एक है जो अब हमारे हाथ में रह गया है। देखिए, लोग पूछते हैं जस्टिस कब मिलेगा, लोग पकड़े जाएंगे, क्या होगा, देखिए कब होगा, कैसे होगा, कौन लोग होंगे, वो बात की बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी लेवल पर एक बहुत बड़ा चेंज तो आ चुका है, किसी लेवल पर एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है। आज हम अगर बॉलीवुड के संदर्भ में देखें तो आप देखिए ना कि एक हिंदी रीमेक को रुका दिया जाता है, हिंदी रीमेक रिलीज ना हो जाए, आज आज स्थिति यह है कि खोखला हो चुका है बॉलीवुड पूरी तरीके से, और हमने कहीं ना कहीं ये रियलाइज किया है कि कितनी नकली दुनिया थी जिसको लोग आंख बंद करके ऐसे उसका फॉलो कर रहे थे, वो तो भ्रम टूटा है ना, कितनी सारी बातें नेपोटिज्म की बातें होती थी पर ऐसे खुलकर कभी नहीं आया था, बॉलीवुड के ड्रग कार्टल के बारे में बातें होती थी कभी खुलकर नहीं आया था, ये तमाम बातें जो रियलाइजेशन हमको हुए, क्या ये कम है क्या? देखिए, हर घटना आंखें खोलकर जाती है, आपके घर में कोई छोटी सी भी इशू होगी, उसके बाद आप कुछ ना कुछ रियलाइज करते हैं कि हमारी ये गलती थी, ये कमी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और एक इतना बड़ा कांड होना और उसके बाद पूरी दुनिया का ये रियलाइज करना, आप सोचिए अपने आप में क्या ये कम बात है। बिल्कुल आज हर कोई अपनी अपनी तरह से इससे होकर गुजर रहा है, लेकिन एक जो आंखें खोलकर गया है वो इंसान, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसी चीज हुई है जो पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को, पूरे प्लेनेट को, पूरी दुनिया को हिला कर गई, और इस बात से कोई इंकार नहीं कर पाए। बिल्कुल एब्सोल्युटली उज्ज्वल जी, बट ये जो जो आपने कहा है, डेफिनेटली चेंज तो आया है, लोगों के नजरिए में आया है चेंज. लोग एक दूसरे को की जो इन्फॉर्मेशन जब लेते हैं तो वो एकदम से नहीं आजकल, जो लीडरशिप है वो एकदम से नहीं आजकल जी माय लॉर्ड करने लगते हैं. लोग उस चीज को पढ़ना चाहते हैं. सो डेफिनेटली लोगों में एक जागरूकता आई है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि हम हर चीज को सोच समझ कर तोल मोल से कहें और बोलें और समझें. बट अज्वल जी, ये जो बहुत ही नाजुक सी बात होती है फैमिलीज के लिए और बहुत सारे लोग इधर उधर की जो बातें करते हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल. आई हैव नो क्लू अबाउट सुशांत एंड मुझे ना कोई फैमिली मेंबर जानता है, बट जो भी थोड़ा बहुत समझा है उनको हमने, क्योंकि किसी की साइलेंस भी बोलती है. सिर्फ बोलना ही बोलना नहीं होता, चुप हो चुप रहकर भी बहुत कुछ बोला जा सकता है. और उनकी फैमिली ने यही बहुत कला से, बड़े इंटेग्रिटी से उन्होंने चुप रहकर बहुत कुछ बताया है. और अब आकर उनकी बड़ी समझदार सी लगती है उनकी बहन, तो वो आकर कुछ अपना नजरिया करती हैं. तो आपके हिसाब से, यू आर अ जर्नलिस्ट, यू आर अ पीपल पर्सन, यू अंडरस्टैंड पीपल साइकोलॉजी, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाई दीदी हैड टू कम? वेरी ग्रेटफुल दैट शी इज कमिंग, बट व्हाट इज इट दैट यू फील दैट शी नीडेड टू बी हियर एट दिस टाइम? देखिए, मैं मानकर चलता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि खामोश रहकर भी बोला जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आपकी खामोशी का मतलब नहीं समझ पाते सही, और उस अपनी खामोश आपकी खामोशी का मतलब अपनी अपनी तरह से निकालते रहते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस परिवार की खामोशी का मतलब अपनी तरह से निकाला जाने लगा था, तो ये बहुत जरूरी था कि वो आई। हालांकि मैं जानता था इस बात को कि नहीं आने का क्या कारण है, क्योंकि देखिए मैं बड़ा आपको कुछ कड़वी बातें बोलूंगा, जिसके घर का बच्चा चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा, ये कड़वा सच है, दुनिया का कोई भी न्याय मिल जाए वो बच्चा वापस नहीं आएगा। आज वो परिवार जिस कष्ट से, जिस दुख से होकर गुजर रहा है, उसे हम और आप तो समझ भी नहीं सकते, हम कितनी भी बातें कर लें। जी दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि वो परिवार अगर सामने आ भी जाएगा तो क्या परिवार के सामने आने का इंतजार कर रही है कोई जांच एजेंसी? ऐसा भी नहीं है कि परिवार सामने नहीं आ रहा इसलिए हम नहीं करेंगे, वो आ जाएंगे तो हम कर देंगे। परिवार एक बहुत खराब स्थिति से होकर गुजर रहा है, कहने की जरूरत नहीं है, जिनके घर का सबसे छोटा सदस्य चला गया हो, इतना ब्राइट
जिसके जाने के बाद पूरी दुनिया में इतना बड़ा हाहाकार मचा हो, कोई समझ ना पा रहा हो कि क्या हुआ। आप सोचिए, जो उसके साथ अपनी उम्र बिताए थे, उसके भाई और उसकी बहनें या उसके पिता, क्या गुजर रही होगी उनको। और हम कौन होते हैं ये पूछने वाले कि वो क्यों नहीं निकल कर आए? क्या आज वो निकल कर आएंगे तो सुशांत को हम वापस दे सकते हैं? नहीं, नहीं होगा, कभी भी नहीं आएगा वापस। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि उनकी खामोशी को क्योंकि गलत समझा जा रहा था, क्योंकि हमारे समाज में बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के बुद्धिमान लोग हैं, जो कुछ कई बार खुद को बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी समझते हैं, एक लाइन का चार मतलब अलग अलग निकालते हैं। तो शायद ऐसे लोगों को की बातें सुनकर उन्हें ऐसा लगा होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि खामोशी का सही मतलब निकालने वाले भी तो कितने कम हैं, खामोशी के भी तो अक्सर गलत मतलब निकाल लिए जाते हैं। खामोशी का मतलब रजामंदी भी होता है, खामोशी का मतलब इनकार भी होता है, खामोशी का मतलब इग्नोर करना भी होता है, खामोशी का मतलब टालना भी होता है, और खामोशी का मतलब ये भी होता है कि मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं बात कर पाऊं। तो खामोशी के बहुत मतलब होते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये कौन सी वाली खामोशी है। लेकिन जी क्योंकि लोग शायद समझ नहीं पाए, इसलिए वो खामोशी तोड़कर आना पड़ा। ठीक है, ऐसे मूर्ख लोगों को समझाने के लिए आना भी पड़ता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बेवजह परिवार पर शक करते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं, इनको मैं यहाँ बोलना भी नहीं चाहता। और मैं बहुत ही ऐसे लोगों को समझता हूँ कि उनके सीने में हृदय नहीं है। किसी के घर का बच्चा चला गया, आप क्या आप उससे लेंगे? क्या क्या मतलब, आप उसको क्या दे सकते हैं और उससे क्या ले सकते हैं, बताइए? दे क्या देंगे आप उसे और उससे ले क्या लेंगे? बिल्कुल एब्सोल्युटली। और ये जो मैंने किसी और जगह सुना, क्योंकि उनसे पूछा जा रहा था उनकी सिस्टर से कि अब ये जो मुहिम जो चल रही है इसमें कौन सा लीडर उभर कर आएगा, तो क्या आप बन क्या रही आप हैं? बन तो रही है वो? देखिए, बड़ा मतलब जिसने भी पूछा, यह बहुत ही गलत सवाल था, क्योंकि अगर इस केस को किसी ने फॉलो भी किया हो तो सब जानते हैं कि इस मुहिम को ना तो किसी ने चलाया, ना किसी ने शुरू किया, ना कोई इसे गवर्न कर रहा है, ना कोई इसे लीड कर रहा है। बताइए, आपको क्या किसी का फोन आता है, या क्या मुझे किसी का फोन आता है, या क्या मैं किसी को फोन करता हूं? हम सब कैसे जुड़े हुए हैं? बिना तार के जुड़े हुए हैं ना। आज से 2 साल पहले तो हम और आप जानते नहीं थे। हमने क्यों जाना आपको, या आपने मुझे क्यों जाना, या और बहुत से लोगों ने, मैंने बहुत से लोगों को क्यों जाना, स्मिता पारेख को मैंने क्यों जाना, या मैंने रवि तिवारी बिहारी को क्यों जाना, या मैंने और तमाम लोग जो हैं जुड़ गए, किसको, किसने किसने किसी ने फोन नहीं किया हमें? कहीं कोई सदस्यता फॉर्म हमने नहीं भरा था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन रही थी कि हमारा लीडर कौन है। और जहां पर हम किसी भी मुहिम को अगर कोई व्यक्ति गवर्न करने लगता है, तो मुहिम वैसे ही राजनीति में परिवर्तित हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये मुहिम चल ही इसीलिए रही है क्योंकि इसे ना कोई गवर्न कर रहा है, ना कोई लीडर है, ना कोई लीडर बन सकता है। आई कोई थिंक लीडर नहीं बन पाएगा इसका, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये लोगों के दिल से चल रहा है। ये राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं, जिन्हें लालच होता है सीट जीतने का, सांसद विधायक बन जाऊं मैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाऊं, वहां होते हैं ये काम। यहाँ किसी को क्या लालच है? आप आज एक बात बताइए कि सुशांत को जस्टिस मिलेगा, उससे आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा, और नहीं मिलेगा उससे आपके जीवन पर क्या? कोई, देखिए बड़ा साफ बात है, आपके जीवन पर कोई फर्क असर नहीं पड़ेगा, आप उसी तरह से जी रही होंगी, ये भी जी उतनी कड़वी बात। लेकिन हम सब चाहते हैं कि गलत हुआ है तो उसको न्याय मिले। तो आज हम किसी स्वार्थ के लिए नहीं है यहाँ पर, तो जी कोई जी भी नहीं है, कोई भी नहीं। जी और ये भी ये भी जो आपने एक बात करी एक है बात कि करी है कि बहुत लोग बहुत इस बात को लोग भी इस कहते बात हैं को कि भी भाई कहते हैं कि सानिया भाई जी सानिया या जी या को और जो और है, जो है, मैं नाम नाम नहीं लूंगी, कि नहीं इनके पास तो इनके कुछ काम पास ही तो नहीं कुछ है, काम तो ही नहीं है, लगे हुए हैं लगे कि हुए जिनके हैं पास कि काम जिनके नहीं, पास तो काम ये नहीं। भी ये एक भी एक सुना है, उड़ती सुना है, उड़ती उड़ती चीजें उड़ती हैं चीजें हैं कि देखिए, सबका अपना जीवन है, आप किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, और मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ तो मैं किसी भी मुद्दे पर बात कर सकता हूँ, और आपने मेरे मंच पर देखा होगा, मैं तो बहुत अलग अलग मुद्दों पर बात करता रहा हूँ। और ठीक है कि क्योंकि उस वक्त जरूरत थी सुशांत मुद्दे पर बात करने की, इसलिए मैं बात कर रहा था, लोगों ने मुझे सुनना शुरू किया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ सुशांत के मुद्दे पर बात की, मैंने और भी अलग अलग मुद्दों पर बात की। और ये भी एक कड़वा सच है कि हम सबके जीवन में और भी बहुत कुछ हो रहा है। आपका कोई काम होगा, आप दफ्तर जाती होंगी, कुछ आपके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होंगे, मेरे भी हैं, अपने, हम सब अपने अलग अलग कामों में हैं। ठीक है, मैं आम प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं आज से नहीं हूं, मैं पिछले 20 साल से हूँ। फर्क बस इतना आया है कि पहले मैं न्यूज चैनल्स में नौकरियां करता था, आज मैं अपना प्लेटफॉर्म खुद चलाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपना काम भी कर रहा हूँ।
कुछ कोई दुनिया रुक नहीं गई है, लेकिन अगर हमारे काम के होने के साथ में अगर हम कुछ एक और ऐसा काम कर सकते हैं जहां पर हमारा इंक्लिनेशन है, और किसी को देखिए, मैं तो अपने जीवन में मुझे कभी फर्क पड़ा नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है। इफ आई एम कन्विंस आई एम कन्विंस, इफ आई एम नॉट कन्विंस आई एम नॉट कन्विंस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। मैं किसी के दिखाने बताने जताने में बिलीव ही नहीं करता हूं। बहुत से लोगों ने मुझे काफी बातें लिखी भी, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बहुत से लोग मुझसे, मैंने ऐसा भी रहा है, मैंने 2-2 महीने तक कई बार सुशांत पे कोई बात नहीं की है। लोगों ने कहा आपने 2 महीने में एक बार नाम नहीं लिया, मैंने कहा मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि कुछ हो ना बताने के लिए, मैं सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे वीडियो क्रिएट करके नाम लेना है, वो भी नहीं करूंगा मैं। जब मेरे पास मुद्दा होगा, जब मेरे पास कोई पॉइंट होगा, बिल्कुल तो ये एब्सोल्युट है। नहीं, द थिंग, द जेंटलनेस, वही हम ये सीखना चाह रहे हैं। सारी जो हमारी जो मुहिम हमारी जो है मुहिम जो है, कि इसमें इसमें जेंटलनेस जेन्युइननेस कहाँ तक, हद देखिए तक। देखिए जेन्युइननेस तभी होगी जब हम इस बात पर प्रश्न भी ना करें। सूरज जब सुबह उगता है तो बताता नहीं कि मैं उग गया हूं। दूध की सफेदी, दूध कहता नहीं देखो मैं सफेद हूं, जो है वो है, जो नेचुरल है। जब जब एक ईमानदारी है तो है, उसको बताने की क्या जरूरत है कि देखो मैं ईमानदार हूं, यानी आप कुछ प्रॉब्लम, तो क्या जरूरत है कि 4 लोगों के कहने से फर्क अगर पड़ने लगे तो वो ईमानदारी किस काम की, जो 4 लोगों के कहने से भटक गई या उस पर दाग लग गया। ऐसे लोगों को आप नजरअंदाज करें मेरे हिसाब से तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अटेंशन सीकर होते हैं। मेरे वीडियो के नीचे लोग मुझे कई बार गालियां लिख देते हैं, वो चाहते हैं मैं भी गालियां लिख। मैं उनको कई बार एक शब्द लिखता हूँ कि भाई आपने अपने माता पिता का परिचय दे दिया ये गालियां लिखकर, बाकी मेरे तन पर इसका कोई असर नहीं है, मैं कल भी यही करूंगा जो मैं आज कर रहा हूं। और मैं कहीं पर कोई सर्टिफिकेट, आज मैं एक डायलॉग अपने, मैं बहुत समय से, मैं अपने टीनेज से बोलता आया हूं, यहां पे मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि अपने जीवन में आप किसी को भी इतना महत्व मत दे दो कि आप उसके सर्टिफिकेट पे चलने लगो कि फला कह देगा तो मैं हो जाऊंगा। आप अपने अंदर इतना पैदा कीजिए वो विश्वास कि आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत ना पड़े। कोई सर्टिफिकेट आपसे बड़ा हो सकता है? आपके विश्वास से बड़ा कौन सा सर्टिफिकेट है बताइए मुझे। जी, आज अगर मैं, आप इंजीनियर हैं, मैं कह दूं नहीं आप डॉक्टर हैं, मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूं, क्या आप डॉक्टर हो जाएंगे? कितना भी बढ़िया सोने पे लिख के हीरे जवाहरात सजाकर मैं दे दूं, मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो जाऊं, पर आप डॉक्टर नहीं होगे ना, आप इंजीनियर ही रहोगे। तो आपके विश्वास से बड़ा क्या है? कुछ भी नहीं। सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अगर हम ये कहें, अगर हम जैसे ये आप कहें, तो जैसे आप तो बहुत, आपने पहले ही बहुत, बोला आपने कि पहले ही आगे बोला जो कि भी आगे होएगा जो रिजल्ट भी मेरा होएगा, रिजल्ट होएगा, बट व्हाट इज द, व्हाट इज अकॉर्डिंग द टू योर अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग, योर जो अंडरस्टैंडिंग, प्रियंका जो दीदी आई थी प्रियंका आपके दीदी आई पास, थी आपके व्हाट वाज पास, हर टेक व्हाट वाज हर ऑन टेक ऑन द वे द सोल्डर्स। डेफिनेटली इस मामले को लेकर राजनीति हुई है, पॉलिटिक्स खेली गई है, और हमारे यहाँ होता है ऐसा अक्सर। पॉलिटिक्स तो हुई है, सबको पता ही है। मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं दुनिया का पहला शख्स हूं जो आज पहली बार ये बात कह रहा हूं। हम सब अगर अपने आंख नाक कान खुले रखते हैं तो इस बात से कोई इंकार कर ही नहीं सकता कि इस पर राजनीति नहीं है, और जिस चीज में राजनीति घुस जाती है उसमें तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए मैं आज वही कह रहा हूं, देखिए आज जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मेरे से भी पूछा जाता है, सुशांत को जस्टिस कब मिलेगा? मैं कहता हूं एक तो होता है सोशल जस्टिस, वो मिल चुका है। जी सोशल जस्टिस तो मिल चुका है, बहुत बड़ा मिला है, और वो एक बार में नहीं मिला है, वो कई सालों तक मिलता रहेगा, बार बार याद दिलाता रहेगा, गूंजता रहेगा, पलट पलट कर आता रहेगा। हर बार जैसे दिल धड़कता है धक 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 धक, उस तरह से ये अब धड़कनों में धड़क रहा है ये सोशल जस्टिस। इसको आप कहां ले जाइएगा? ये जो नेपोटिज्म पर बात होनी शुरू हुई, ये जो बॉलीवुड पर बात होनी शुरू हुई, जो हमारे एनसीबी के साहब आए थे जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, वो सब होना शुरू हुआ, तो ये क्या है? अब इसको कहां ले जाइएगा आप? ये तो होता रहेगा, ये तो हो चुका है। इसको कोई, इसको किसी, मैंने कहा ना, इसको किसी सर्टिफिकेट का इंतजार नहीं है, इसको किसी दिन का इंतजार नहीं है, इसको किसी वर्डिक्ट का इंतजार नहीं है। पब्लिक अपना वर्डिक्ट दे चुकी, जी, आप उसको माने नहीं माने वो आपके ऊपर है, आप जीवन भर ना माने। सही, वंडरफुल। आई मीन एब्सोल्युटली, बहुत क्लैरिटी एब्सोल्युटली बहुत क्लैरिटी से आपने से आपने चीजों को सामने चीजों को रखा है। सामने रखा है। मेरा आखिरी मेरा सवाल ये आखिरी सवाल रहेगा ये रहेगा कि कि एज अ, आई कैन सी यू आई एज अ कैन वेरी सी यू एज अ स्टॉन्च वेरी स्टॉन्च एसएसआरियन, अपार्ट फ्रॉम एसएसआरियन, बीइंग अ अपार्ट फ्रॉम बीइंग जर्नलिस्ट, अ जर्नलिस्ट, बिकॉज़ आप जरूर आप सच की सच की जी छड़ी की तरफ छड़ी की तरफ और साथ में लेकर साथ चलते में हैं। लेकर चलते तो हैं। व्हाट डू यू तो व्हाट डू से यू टू सी टू फाइनली टू फाइनली टू एवरीबॉडी हु इज एवरीबॉडी हु इज बिजी अपने घरों में, बिजी सब अपने घरों बिजी में है, सब बिजी है, बट कैसे हम ये कैसे सच हम का ये सच जो का जो दिया है जला दिया कर है जला रखिए, कर
सुशांत ने ही शुरू किया ये बात, आगे तक चलता रहे, चलता रहे। देखिए मैं तो दो तीन सवाल पूछूंगा, जो भी कोई व्यक्ति जिनके मन में सवाल हो, ये क्या वो लड़का ब्राइट था? जवाब आएगा हाँ। क्या वो इस तरह से दुनिया से जाना डिजर्व करता था? जवाब आएगा ना। तो फिर क्यों हुआ? कौन है जिम्मेदार? समाज में से ही कोई जिम्मेदार होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें पता लगाना है क्या हुआ था, सिर्फ हम इतना ही नहीं जानते। हम इन तीन में से दो सवालों के जवाब जानते हैं। लड़का ब्राइट था, बहुत कुछ कर रहा था, बहुत कुछ कर सकता था, और इस तरह से जाना डिजर्व नहीं करता था। जाहिर है हमारी सोसाइटी में जो होता है वो सोसाइटी की वजह से ही होता है। हम समाज से अलग कभी हो नहीं सकते। हम खुद को एक कमरे में बंद कर सकते हैं, लेकिन हम समाज से अलग नहीं। आज कोरोना की स्थिति है पूरी, मैं सबको ये कहता हूं, जो लोग जमीन पर लकीरें खींचकर कहते हैं कि ये वीजा लाओ, पासपोर्ट लाओ, आप अमेरिकन हो, आप यूरोपियन हो, आप रशियन हो, ऊपर वाले ने नेचर ने बता दिया कि भाई ये लकीरें कितनी भी खींच लेना, जिस दिन कोरोना आएगा उस दिन सारे देश की हालत, सारी दुनिया की हालत एक जैसी हो जाएगी। अब आपने जो लकीरें खींची हैं, कोरोना कहां से बॉर्डर क्रॉस कर गया? आपने तो बड़े लकीरें खींची हुई थी। तो आई एम एविड फॉलोअर ऑफ ओशो जी, भगवान रजनीश। तो वो बातें भी हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्रकृति है हमें तरह तरह के संदेश देती रहती है, हमको बताती रहती है, हमको बताती है कि आप अगर खिलवाड़ करेंगे हमारे साथ तो आपको आपको घर बैठना पड़ जाएगा, और ऐसा बैठना पड़ जाएगा कि आप फिर यही पूछोगे कि यार ये हमने क्यों किया। सही सही। तो आप एक कार्मिक साइकिल को भी मानते हैं? डेफिनेटली। मैं सनाया जी, आप जिक्र निकला है तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने कर्म को पूजा की तरह ही करता हूं। मेरे लिए मेरा काम, और ऐसा नहीं ये आज है, आज से 20 साल पहले भी ऐसा था, 30 साल पहले भी ऐसा था। मैंने अपने काम को एकदम वर्शिप की तरह लिया है। शायद मैं उतने धार्मिक स्थानों पर नहीं जा पाता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं अपने काम को, उस वक्त का जो भी काम होता है, आई यू नो गिव प्रेफरेंस टू दैट वर्क। राइट, तो ये भी एक तरीका है, तरीका है, कहते हैं ना, अपनी भेंट देना, भेंट देना, और ईश्वर समझना, समझने के काम को। मेरा मानना है कि हम सब जो एक इकाई है अपने आप में संपूर्ण है। हम जो एक इकाई है वो अपने आप में संपूर्ण है। हम सभी काम कर सकते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। सिर्फ सही मार्गदर्शन, सही सोच की जरूरत है। और ये कोई क्लीशे सेंटेंसेस नहीं है कहीं किताब में पढ़े हुए, ये मैं इसको अपनी जिंदगी में जी रहा हूं। मैं निश्चय करता हूं और उस काम को करने लग जाता हूं। दिक्कतें, मुश्किलें आती हैं, पसीने छूटते हैं, विश्वास टूटता भी है, परेशान भी होना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है, अकेलापन भी लगता है, लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि आप वहां पहुंच जाते। और ये सबकी जर्नी ऐसी हो सकती। बहुत 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 वेरी इंस्पायरिंग, बिकॉज आपने शब्द लिए अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन, आई थिंक, और ऐसे लगता है कि कोई दुनिया आपके अगेंस्ट है। तो बहुत बार लगता है, लेकिन देखिए आप इतना सोचिए ना कि क्या आप अपनी मर्जी से पैदा हुए हैं? नहीं, आपको यहाँ लाया गया है। Then there has to be some purpose. Purpose क्या हो सकता है? Purpose खरीदना ये नहीं है कि आप इतने पैसे इकट्ठे कर लें कि आप अपने लिए प्राइवेट जेट ले लें या बहुत बड़ा बंगलो खरीद लें। Purpose ये है कि आप अपने जीवन में कौन से पाथ पे चल रहे हैं, क्या पाथ है जो आप रोज करते हैं, क्या है जिसको आप डेली अपना समय देते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप लाइब्रेरियन हो सकते हैं, आप बैंकर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर उस काम के साथ ईमानदारी रखिए जिससे आप रोजाना के स्तर पर जुड़े हुए हैं, और वही आपका एक रास्ता है। देखिए एक बात कही गई है, सफर कितना भी लंबा हो एक कदम से शुरू होता है। पहला स्टेप आप जमीन पर एक कदम ही रखते हैं, बाद में फिर चाहे आप हवाई जहाज पर चढ़ जाएं या ट्रेन में चढ़ जाएं या गाड़ी से जाएं। तो वो जो एक स्टेप है, वो एक स्टेप वो है, वो रूटीन का काम, वो जो आपसे जुड़ा हुआ है, जिससे आपकी जीविका जुड़ी हो सकती है, आपका आपके कहते हैं ना आपका मनोभाव जुड़ा हो सकता है, आपका मन का लगाव हो सकता है, उसमें आप ईमानदार रहिए, सब चीजें सब जगह पहुंच जाएं। सी, वेरी नाइस। लास्ट में प्लीज टेल अस, व्हाट इज योर पर्सनल फीलिंग अबाउट सुशांत, बिकॉज़ आप दो साल से आपकी खुद की जो आपने आपको लगता है कि ये पॉइंट मैंने उससे कैच किया या मैं उसी की तरह था। मैं कहूंगा एक्सप्लोर करना,
डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करना। वो ये नहीं था कि जैसे हमारे यहाँ बाकी के लोग होते हैं, पॉपुलर सरनेम में पैदा हुए हैं, मैं भी फिल्म स्टार का बेटा हूं, मैं भी फिल्म स्टार ही बनूंगा और इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। उस आदमी ने पटना और बिहार की गलियों से चलकर वो इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचा, फिर वो बैक डांसर बना, फिर उसने टीवी में भी काम किया, फिर वहां भी छोड़ दिया, फिर बॉलीवुड में आया, उसके बाद दुनिया भर की वो व्यक्ति फिजिक्स की नॉलेज रखता था, दुनिया भर की नॉलेज रखता था, बहुत कुछ पढ़ता रहता था। हम सब यही करने आए हैं। मुझे लगता है अगर हम सुशांत से कुछ सीखना चाहते हैं तो एक बहुत छोटी सी एक वर्ड में बात कहूंगा, जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना एक्सप्लोर कीजिए। वेरी नाइस, और ब्यूटीफुल. एक्सप्लोर करने के लिए बहुत जरूरी नहीं है बहुत मोटी मोटी किताबें आप कहें मैं नहीं पढ़ सकता। आप, मैं तो लोगों को ये बोलता हूं, जिस टॉपिक के बारे में आपकी जीरो नॉलेज है उससे जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री आप 5 मिनट की 10 मिनट की देख लो। आपको जिस बारे में जीरो नॉलेज होगी उसमें आप 0.1 अगर नॉलेज लेकर सो गए आज की रात, तो आपको एक अच्छी अच्छा फीलिंग आएगा कि यार आज सुबह जब उठा था तो इस टॉपिक पे मेरी कोई जानकारी नहीं थी, आज मैं एक बात जानकर सो रहा हूं। वो सेटिस्फेक्शन होगा आपको। कम से कम मैं ये करता हूं, कोशिश करता हूं। इट्स लवली, ब्यूटीफुल. बहुत बहुत आई थिंक आपने की बात की आपने, बात की आपने, एंड आई थिंक वी हैव टू लर्न दीस काइंड ऑफ थिंग्स एंड हैज टू गेट इनटू दैट एटीट्यूड ऑफ लर्निंग लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग. एक्सप्लोरिंग तो बिल्कुल सही तो कहा बिल्कुल आपने. सही कहा एंड आपने। उदय जी, एंड उदय जी, आई एम आई ऑलवेज ऑलवेज एंड कीप एंड चेजिंग यू, चेजिंग यू, बिकॉज जब भी आपसे जब बात भी करते आपसे हैं बात करते हैं कुछ ना कुछ कुछ पर्ल्स ऑफ ना कुछ विजडम पर्ल्स ऑफ छोड़ कर विजडम चले जाते छोड़ हैं, कर चले जाते हैं, और फिर बाद में फिर सोचती बाद हूँ में उनके सोचती बारे हूँ में. उनके बारे में, और आई एम श्योर और लॉट आई एम ऑफ श्योर लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग यू पीपल हु आर आल्सो वाचिंग थिंक यू आल्सो सो. थिंक थैंक यू सो मच फॉर सो मच एग्जिस्टिंग फॉर एग्जिस्टिंग एंड थैंक यू वर्किंग सो एंड हार्ड. वर्किंग सो हार्ड. थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू सो यू, मच। थैंक्स थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू. So this was Ujjwal ji, who actually came and allowed us to understand a few amazing things about Sushant. और सुशांत की जो हम बात करते हैं बार बार, वो इसीलिए ही करते हैं कि हम क्या उस इंसान से अपने अंदर कुछ चीज, कुछ परिवर्तन अपने अंदर, सो दैट हम ये जिंदगी को पूरी तरह से जी ले. बस इसीलिए ही हम शायद सुशांत की बातों में और उनकी कामों में उलझे रहते हैं, उनकी सोच में उलझे रहते हैं, क्योंकि हम भी कुछ कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि हम सबको वो लॉ चाहिए, वो एनर्जी चाहिए उसको आगे करने के लिए. ऑफ कोर्स हमने सच का साथ देकर इस केस को बनाए रखना है, इस केस को जिंदा रखना है, वो भी काम हमारा है. और सबसे इंपॉर्टेंट काम कि हम अपनी जिंदगी को एक इंस्पायरिंग जिंदगी बनाएं, दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए शायद. तो इसीलिए मैं इसी कहने के लिए मैं ये आज का सेशन बंद करना चाहूंगी, और मैं ये कहूंगी कि अपने अंदर की लॉ को बनाए रखें, जिंदा रखें, और दूसरों को भी और अपने आप को भी इंस्पायर करके रखें. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी टुडे, एंड आई विल सी यू अगेन. जय हिंद, जय हिंदुस्तान, बाय बाय.